दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे रार और जिप जो फाइल होती है उसके एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे जो भाई लोग हमसे फुल कोर्स का डेटा डिजाइन वगैरह लेते हैं उसको मैं रार फॉर्मेट या जिप फॉर्मेट में देता हूं। ठीक है, तो उसमें मैं जो है ज़्यादातर जनरली पासवर्ड लगा के देता हूं, तो उसको आप डाउनलोड करने के बाद एक्सट्रैक्ट आपको करना होता है पासवर्ड डाल के, तभी वो फाइल आपकी ओपन होती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको डाउनलोड करके जितने भी प्रोसेस होते हैं वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके जीमेल पे मैंने फाइल कोई भी सेंड करी। ठीक है, अगर आप मोबाइल पे डाउनलोड करना चाहते हो तो मोबाइल पे आप सिर्फ डाउनलोड कर सकते हो, ओपन नहीं होगी, ना ही एक्सट्रैक्ट होगी। ठीक है, तो अगर आपका जीमेल मोबाइल पे ओपन है तो आप मोबाइल पे फाइल डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद में आप अपने कंप्यूटर में फाइल को कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपका कंप्यूटर में ही आपका जीमेल लॉगिन है तो आप डायरेक्टली अपने जीमेल पे आइए। ठीक है, और आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये जो फाइल आपको दिख रहा है फोल्डर वन, इसको मैं आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। इस तरह का आपका सिंबल दिखेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करोगे आप, उसके बाद में आपको गूगल ड्राइव का जो फोल्डर है वो ओपन होके आपके सामने आएगा। और ये देखिए इस तरह का आपका शो करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये जो एरो दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको क्लिक करोगे तो एक दूसरा पेज ओपन होके आएगा। ये देखिए ये आपका खुल के आ गया है। ठीक है, तो अभी आपको जो है इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर बता रहा है कि गूगल ड्राइव स्कैन नहीं कर सकता, मतलब जो भी फाइल में वायरस वगैरह होता है तो उसका कोई इशू नहीं है। आप जो है यहाँ पे डाउनलोड एनी वे पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड एनी वे पे क्लिक करोगे इस तरह से, तो आपका डाउनलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिले। ये देखिए डाउनलोडिंग का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसको, है ना। ये सो ऑल पे क्लिक करोगे तो आपको डाउनलोडिंग दिखने लगेगी। तो सो ऑल पे क्लिक करके हम देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए डाउनलोड का प्रोसेस चालू है। ये फोल्डर वन के नाम से है। ये देखिए रार फाइल है ना, 668 MB की साइज़ है। ठीक है, ये डाउनलोड का प्रोसेस आपका स्टार्ट हो गया है। एक तरीका ये है डाउनलोड का, मान लीजिए आप यहाँ पे सो ऑल से आप देख नहीं पाए हैं उसको, तो आप हिस्ट्री ओपन करके भी आप यहाँ से देख सकते हो। ये जो 3 क्लिक आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करिए। उसके बाद ये जो डाउनलोड्स का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करिए तो आप इसी पेज पे डायरेक्टली आ जाओगे। अगर डाउनलोड हो चुका है तो इस तरीके से आपका दिखेगा, है ना। अगर आपका डाउनलोड हो चुका है, जैसे मैं इसको बंद कर देता हूँ, अगर आपका फाइल डाउनलोड हो चुकी है तो यहाँ पे आपको शो इन फोल्डर दिखने लगेगा। ठीक है, अगर आपका डाउनलोड फेल्ड हो गया है तो इस तरीके से आपका फेल्ड लिख के आ जाएगा, है ना। इसको आप रिसम करके दोबारा से डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए हमारा जो डाउनलोड फाइल कर रहे थे वो डाउनलोड हो गए। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पे शो इन फोल्डर दिखने लगेगा, यहीं पे आपको क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे आप डायरेक्टली उस फाइल पे आ जाओगे जो आपने डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, जो आपकी डाउनलोड हो गई है उसी फाइल पे आप डायरेक्ट पहुँच जाओगे। तो आप चाहो तो यहाँ पे भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे आपका बहुत सारा आइटम है, जैसे मेरे में दिख रहा है, यहाँ पे आप अगर एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको काफ़ी ढूंढने में दिक्कत आएगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इस फाइल को कॉपी कर लेना है। ठीक है, यहाँ से कॉपी करने के बाद आप अपने कंप्यूटर पे आइए, किसी भी ड्राइव पे आप न्यू फाइल अब बना लीजिए। ठीक है, किसी भी ड्राइव पे आप न्यू फोल्डर बनाइए। ठीक है, यहाँ पे आप न्यू फोल्डर कैसे बनेगा वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे जैसे आप खाली जगह है, किसी भी फोल्डर पे आपको क्लिक नहीं करना है। यहाँ खाली जगह पे आप माउस में राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे ये न्यू का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर क्लिक करिए। फिर यहाँ पे आपको फोल्डर का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करिए तो ये देखिए यहाँ पे आपका फोल्डर बनाने का ऑप्शन आ गया। आप जो भी आप नाम देना चाहते हो, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, है ना। नाम दे के आप कीबोर्ड में इंटर बटन दबा दीजिए। ठीक है, ये आपका नया फोल्डर बन के आ गया। अभी आप इसको ओपन करिए और यहीं पर आप पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, यहीं पर आप पेस्ट कर दीजिए। आपका जो भी फाइल है आपको सुरक्षित भी रहेगी और जल्दी से आपको मिल जाएगी, आपको वहाँ ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको, है ना। तो इससे आपके टाइम की बचत हो जाएगी। ठीक है, तो ये डाउनलोड का प्रोसेस हो गया। अभी एक्सट्रैक्ट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये फाइल है आपकी। ठीक है, ये फोल्डर वन के नाम से जब तक रार फाइल रहेगी तो इस तरीके का आपका ये मतलब लोगो इस टाइप का दिखेगा। और यहाँ पे
फाइल टाइप में आपका विनरार या विन जीप वगैरह लिखा हुआ होगा, तो विनरार फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। माउस में आपको लेफ्ट की दबा के सेलेक्ट करना है, जैसे ही हल्का सा ब्लू कलर का हो जाए तो उस पर एरो करके आपको और माउस में राइट क्लिक करना है। जब ये ब्लू कलर का हो जाएगा तभी आपको राइट क्लिक करना है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली किसी पे ऐसे राइट क्लिक करोगे तो ऑप्शन नहीं आएगा, आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है, ठीक है। जैसे राइट क्लिक करोगे ये पेज ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको ये एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन दिख रहा है ना, ये एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करना है दोस्तों। अगर मान लीजिए आपने क्लिक किया, आपको ये ऑप्शन दिख नहीं रहा है, आपको आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पे अगर एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे, तो आपको क्या करना है कि आपको मैंने जो ये वाली फाइल दी है ना, या फिर आप डायरेक्ट इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो, विनरार करके फाइल है। अगर आपका 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विनरार 64 बिट का डाउनलोड कर लो, या आपका 32 बिट है तो आप विनरार 32 बिट डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल कर लो, छोटा सा सॉफ्टवेयर होगा 300-400 KB का, जब आप उसको इंस्टॉल कर लोगे अपने कंप्यूटर में उसके बाद आपको ये ऑप्शन आने लगेगा, ठीक है। किसी किसी कंप्यूटर में नहीं आता है, तो ये सॉफ्टवेयर छोटा सा आप इंस्टॉल कर लो, उसके बाद में आपको ये ऑप्शन दिखने लगेगा। तो सिंपली आपको एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक कर देना है, जैसे एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करोगे ये आपका पूरा फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद जिस नाम से आपका ये रहेगा मतलब फाइल, उसी नाम की एक कॉपी बन के आ जाएगी, है ना। जैसे हमारा ये रार फाइल था, तो इस रार को मैं FS में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो वो FS फाइल में आ जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए आप एक्सट्रैक्ट पे क्लिक किए और यहाँ पे पासवर्ड मांगने लगा, तो जो मैं पासवर्ड आपको दूंगा वही पासवर्ड डालने के बाद आपको S2L पे क्लिक कर देना है। ये देखिए, जैसे हमने ये फोल्डर एक्सट्रैक्ट किया है तो इसी नाम से एक फोल्डर यहाँ पर बन के आ गया, ठीक है। ये येलो कलर का ये आपका लोगो बन के आ जाएगा, फाइल वाला लोगो, तो इसको आप ओपन करिए। यहाँ पे ये देखिए तीन वीडियो था, तीन वीडियो आपका शो करने लगा, ठीक है। ये जो एरर फाइल था ये डायरेक्ट आपका शो नहीं करेगा, इसके अंदर वीडियो है लेकिन आप देख नहीं सकते हो, है ना। ये 600 साइज बता रहा है, 667 MB का है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 667 MB का है, लेकिन ये फाइल रार है, तो रार फाइल डायरेक्टली ओपन नहीं होती, इसको एक्सट्रैक्ट करना ही पड़ता है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके राइट क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करना है। एक्सट्रैक्ट हेयर पे जैसे आप क्लिक करोगे, इस वाले में मैं दिखा देता हूँ, एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे पासवर्ड मांगने लगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो मैंने पासवर्ड दिया है वो पासवर्ड टाइप करना है, उसके बाद यस टू ऑल पे क्लिक कर देना है ना, उसके बाद ये ऑटोमेटिक एक्सट्रैक्ट होएगा। और जिस फोल्डर में पासवर्ड नहीं डाला है वो उसमें आप एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो किसी भी फाइल को, ठीक है। तो यही था तरीका आपका किसी भी फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो जैसे मैं जो भी आपको फाइल वगैरह देता हूँ तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना, तो आप बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि अब एक्सट्रैक्ट क्या है, ये क्या होता है, इसको कैसे करना है। तो उन्हीं के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आपको एक्सट्रैक्ट करना है, कैसे आपको डाउनलोड करना है। बहुत से लोग डाउनलोड भी नहीं कर पाते हैं, उनको ऑप्शन ही नहीं मिलता डाउनलोड करने का, तो मैंने वो भी बता दिया आपको कैसे डाउनलोड करना है जीमेल से फाइल और कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करना है। तो यही सारा प्रोसेस है, इस तरह से आप किसी भी फाइल को एक्सट्रैक्ट करके आप यूज कर सकते हो।